अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। जिस तरह के आपने टाइटल देखा कि आज भाई फिरूँ फूल नगर में सबसे ज़्यादा और बड़ी डकैती की गई है, जो कि और किसी आम चीज़ की नहीं, मतलब कि कोई आम चीज़ जिस तरह ये पंखे वगैरह हो गए इस चीज़ की नहीं, बल्कि 7 किलो सोने की गई है। जिस तरह आपके सामने ये वीडियो चल रही है, 7 किलो सोना, और वो भी 3-4 दुकानों से उन्होंने लूटा है। और ये वीडियो देखेंगे, वो सोना लेकर फरार होते हुए की वीडियो भी रिकॉर्ड हुई है। तो उन्होंने हवाई फायरिंग इतनी की है जिसकी फायरिंग की वजह से सभी लोग डर गए और सभी लोग अपनी अपनी दुकानों में छुप गए। तो देखें, ये आपके सामने वीडियो चल रही है, देखें आप ये भाई फिरूँ फूल नगर में किस तरह की डकैती हुई है। अल्लाह अल्लाह, ये देखें कितनी हैरत अंगेज और इतनी ज़्यादा रैफलिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा फायरिंग हो रही है कि बंदे डर डर के भाग के आ रहे हैं। तो देखें वो उन बेचारों का, ये वीडियो उनके साथ उनकी भी चल रही है कि उन बेचारों का क्या होगा कि जिनका 3-4 दुकानों का जिनका 7 तोला भी नहीं। 1 किलो की कीमत कितनी है ये आप खुद ही लगा सकते हैं कि 1 तोला की कीमत 2.5 लाख के प्लस है। तो 7 किलो, ये वीडियो देखेंगे वो उसके पास 7 किलो जो सोना है वो उठाया ही नहीं जा रहा था, फिर भी किस तरह बैठा और भाग गया। 7 किलो सोना लेकर ये फरार हो गए हैं। और अभी इनको पकड़ने के लिए एक पुलिस भी पीछे लगी, पुलिस का एक फर्द भी पीछे लगा, तो उसको भी उन्होंने फायर किया, उनको भी उसको गन के साथ गोली मारी, तो वो भी जख्मी है। ये उनकी भी, ये पुलिस वाले की भी वीडियो चल रही है। तो देखें कि भाई फिरों में ये कैसा निज़ाम चल रहा है कि ये हर बंदा किस तरफ निकल रहा है कि कभी ये चोरी हो रही है, कभी ये बंदे को वैसे कत्ल कर रहा है, कभी ये नहरों पे लाश आ रही है भाई फिरों की। ये भाई फिरों किस तरह जा रहा है, ये हमें इस चीज़ की क्या, हमें इससे नसीहत मिल रही है, आप ये खुद दे लें कि उन बेचारों का क्या बनेगा यार, जिन्होंने किसी से ले के किसी, बल्कि वो शौक वाले हैं तो उन्होंने पहले किसी का बयाना वगैरह लिया होता है, तो वो अब उसका किस तरह अदा करेंगे। अरे यार, 7 किलो सोना क्या उन पर गुजरी होगी। अभी वो भी रो रहे हैं, वो जो फरार होने वाले हैं वो फरार हो गए हैं, वो अभी तक नहीं मिले। और बाकी भाई फिरू शहर फिलहाल सब सारा बंद है, और कल भी शायद इसी वजह से ये शहर पूरा बंद रहे। आप ये आपके सामने स्क्रीन के सामने वीडियो चल रही हैं, या बगौर देखें।